हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने गायक मोहम्मद रफी की आज 97वीं जयंती है। उनका जन्म 24 दिसंबर 1924 को हुआ था। अपने जीवन में रफी साहब बेहद ही अनुशासित थे। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े होने के बावजूद वो कई पार्टियों में नहीं जाते थे। मोहम्मद रफी साहब ने अपने जीवन में कभी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं की। मोहम्मद रफी अपने घर से रिकॉर्डिंग स्टूडियो और स्टूडियो से सीधा घर आते थे। उन्होंने अपना जीवन बेहद सादगी से जिया। उनकी दो शादियां हुई थी। उनकी पहली शादी बशीरा से हुई थी। इनका एक बेटा भी है। माता पिता के निधन के बाद बशीरा लाहौर चली गई। गायक मोहम्मद रफी भारत में ही रहे और संगीत में अपना करियर बनाया। पहली पत्नी बशीरा के लाहौर जाने के बाद मोहम्मद रफी ने दूसरी शादी बिल्किस से की थी। विजय पुलक्कल की पुस्तक रिमेम्बरिंग मोहम्मद रफी में इसका जिक्र किया गया है। मोहम्मद रफी दिल के बहुत अच्छे थे और चैरिटी करना भी काफी पसंद करते थे। रफी साहब के निधन के बाद उनके घर वालों को ऐसी बात पता चली जिससे वह हैरान रह गए। मोहम्मद रफी के बेटे शाहिद रफी ने इस बात की जानकारी दी। शाहिद रफी ने बताया, एक दिन एक शख्स हमारे घर आया था। वह मोहम्मद रफी से मिलने की गुजारिश कर रहा था। जब उस शख्स को हमने बताया कि रफी जी को दुनिया छोड़े 6 महीने हो गए हैं, तब वह शख्स अपनी जगह से खड़े होकर कहने लगा कि तभी पैसे आना बंद हो गए हैं। इस शख्स से बातचीत करने के बाद पता चला कि रफी साहब घर पर बिना बताए चैरिटी करते थे। शाहिद रफी ने बताया कि अब्बू हर महीने इस शख्स को पैसे भेजा करते थे। इस बात की जानकारी उनके सेक्रेटरी यानी मेरे मामा जी को भी नहीं थी। नवभारत से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऋतु त्रिपाठी, नवभारत मीडिया।